आज के इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे राजकीय महाधिवक्ता का परिचय, नियुक्ति एवं कार्यकाल, कार्य एवं शक्तियाँ, महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं हम जल्दी इस किताब का इंग्लिश एडिशन भी शुरू करने वाले हैं। तो इस चैनल को आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। ऑडियो बुक का यह वीडियो भारतीय राज व्यवस्था नामक किताब के 51वें अध्याय, जिसका टाइटल राज्य का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है। इसके अन्य अध्याय ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके साथ ही यह ऑडियो स्पॉटिफाई, जियो सावन, एंकर FM, गाना, हेडफोन एवं गूगल पॉडकास्ट जैसे एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां जाकर आप इसे सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। नियुक्ति एवं कार्यकाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर भी कार्यमुक्त हो सकता है। सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार मंत्रिपरिषद त्याग देती है। या पुनर्स्थापित होती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है। संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्तों को भी निश्चित नहीं किया गया है। उसके वेतन भत्ते, इसका निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कार्य एवं शक्तियाँ। राज्य में वह मुख्य कानूनी अधिकारी होता है। इस नाते महाधिवक्ता के कार्य निम्नलिखित होते हैं। पहला, राज्य सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हो। दूसरा, विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो। तीसरा, संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करना। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। उसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहां के लिए वह अधिकृत है में बिना मत अधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार है। उसे वे सभी विशेष अधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। अब आप स्क्रीन को पॉज करिए। आपके स्क्रीन पर राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। आप इन्हें देखिए और समझिए। तो इसके साथ ही यह अध्याय खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। Thank you.